हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी सॉल्विंग ए प्रॉब्लम फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आवर प्रॉब्लम स्टेट्स दैट द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आर। तो हमें इस इक्वेशन के रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। हमारे इक्वेशन कैसे गिवन है, मॉड में गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इन मॉड प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3, 4x का हमने फैक्टर ले लिए, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें x प्लस 1 प्लस 3 एक्स प्लस 1 इन फैक्टर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास में, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देख सकते हैं कि जो एक्स प्लस 1 है और एक्स प्लस 3 है, इसकी वैल्यूज क्या आ रही है। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है माइनस 1, एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ से माइनस 3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, द एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर वैल्यूज लाइन बिटवीन माइनस 1 एंड माइनस 3। अगर x की वैल्यू माइनस 1 होती है या माइनस 3 होती है तो उस केस में जो एक्सप्रेशन होगा ये कैसा देगा, नेगेटिव वैल्यूज देगा हमें। तो अगर हम वैल्यू एक्सप्रेशन लिखे फॉर वैल्यूज नॉट लाइंग इन बिटवीन माइनस 1 एंड 3, अगर माइनस 1 एंड 3 के अलावा किसी वैल्यू के लिए अगर मैं ये इक्वेशन लिखनी पड़े तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा, मोड हट जाएगा इसका। और इक्वेशन क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो इसका मोड अगर रिमूव कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव कहाँ आ रही है, सिर्फ ये माइनस 1 से 3 के बीच में ही नेगेटिव है, बाकी जगह तो पॉजिटिव है इसकी वैल्यू। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या देगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास में, इसके फैक्टर्स लेंगे तो फैक्टर्स क्या क्या आएंगे हमारे पास में इसके, एक्स प्लस 2, या फिर इसको पूरा सॉल्व करें हम तो एक्स स्क्वायर प्लस, फैक्टर्स क्या है इसके, 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 4 एंड 2 आएंगे, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास में x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें x प्लस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है, माइनस 4 एंड माइनस 2। बट जो माइनस 2 है, ये माइनस 2 किसके बीच में आ रहा है, माइनस 1 एंड 3 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगी ये नेगेटिव वैल्यू देगी, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से अगर हम कंसिडर करें तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस 4। माइनस 4 के लिए क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। और हमने एजम्पशन ये माना था कि 4 वैल्यू इज नॉट लाइन इन बिटवीन माइनस 1 एंड 3। अब हम रेंज लेते हैं, रेंज चेंज करते हैं हमारी। अब हम लिखेंगे इक्वेशन, 4 वैल्यूज इन द रेंज माइनस 3 टू 1। अब माइनस 3 टू 1 की रेंज में क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है नेगेटिव वैल्यू देगा। उस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस में हो जाएगा, एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए माइनस 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके हमें रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस बी क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर। 4ac, ए क्या है हमारे पास है 1, सी की वैल्यू है माइनस 2, माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2 मीन्स माइनस ऑफ 8
एंड माइनस ऑफ फोर, और डिवाइड बाय किसके इक्वल होता है, टू ए। टू ए मीन्स टू इंटू वन, तो ये वैल्यू देगा माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमारे पास में, एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास में माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में एक माइनस वन माइनस रूट थ्री एंड माइनस वन प्लस रूट थ्री। अभी जो वैल्यू है रूट थ्री माइनस वन, ये वाली जो वैल्यू है रूट थ्री माइनस वन, इसको भी हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस थ्री और वन की रेंज में नहीं आ रहा है। हमने इसमें वैल्यूज किसके लिए लिखी है, माइनस थ्री से वन के लिए, तो इसको डिस्कार्ड करेंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में कौन कौन सी आ जाएगी, एक तो हो जाएगी माइनस वन माइनस रूट थ्री, एक हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की थी माइनस फोर, क्योंकि माइनस टू है ये भी डिस्कार्ड कर दिया था हमने, एंड फोर। तो जो रियल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो क्या होंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री एंड माइनस फोर। रियल रूट्स आर माइनस वन माइनस रूट थ्री एंड माइनस फोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।